पोस्ट में आपका स्वागत है। मिस नेहा भारती आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, तारापुर भी तेजस्वी यादव के हाथ से निकल गया है। जी हां, कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर जदयू ने अपना कब्जा जमा लिया है। अमन भूषण हजारी 12,000 मतों से जीत गए हैं। तो वहीं अगर कुशेश्वर स्थान को छोड़ तारापुर की बात करें तो तारापुर विधानसभा सीट पर कयास लगाए जा रहे थे। शुरुआती रुझान की अगर बात करें तो रुझान जैसे सामने आ रहा था, ऐसे में आरजेडी का दबदबा देखने को मिल रहा था, लेकिन आरजेडी पिछड़ गई है जदयू से। जी हां, तारापुर विधानसभा सीट पर जदयू ने आरजेडी को कड़ी टक्कर देते हुए 24वें राउंड के बाद 1622 मतों से आगे निकल गई है। जदयू 1622 मतों से आगे है आरजेडी से। जी हां, जदयू को 65,104 मत अभी तक मिले हैं। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी को 63,482 वोट अभी तक प्राप्त हुए हैं। जी हां, बड़ी खबर बता रहे हैं। लगातार तारापुर विधानसभा सीट पर आरजेडी आगे चल रही थी और कयास लगाए जा रहे थे कि आरजेडी के प्रत्याशी तारापुर विधानसभा सीट जीत जाएंगे, तारापुर विधानसभा सीट आरजेडी के खाते में चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आरजेडी प्रत्याशी पिछड़ गए हैं, आरजेडी पिछड़ गई है और जदयू प्रत्याशी जो है 1622 मतों से आगे निकल गए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि एक सीट तो जदयू के खाते में चली ही गई है, दूसरी सीट भी जदयू के खाते में ही जाती दिख रही है। काफी दिलचस्प मुकाबला हो गया है। दोनों सीटों पर जदयू अपना कब्जा जमाने में कामयाब नजर आ रहा है। एक सीट पर तो ऑलरेडी फाइनल हो चुका है, 12,000 मतों से अमन भूषण हजारी जीत गए हैं। अभी औपचारिक घोषणा बाकी है, लेकिन तारापुर सीट की अगर बात करें तो तारापुर सीट पर भी जदयू प्रत्याशी बाजी मारते नजर आ रहे हैं। देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिरी वक्त में किसका पलड़ा भारी पड़ता है। हालांकि अभी अगर बात करें तो जदयू का पलड़ा भारी है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।